शूटिंग चैंपियन में रजत पदक जीतकर अर्जुन प्रताप सिंह ने आजमगढ़ जिले का नाम रोशन किया। आजमगढ़ माटी के लाल जमुआ निवासी अर्जुन प्रताप सिंह ने नोएडा दादरी में खेली गई यूपी स्टेट चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के तरवा विकारखंड के जमुआ गांव के रहने वाले अर्जुन प्रताप सिंह ने राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर पूरे देश में परचम लहराया। मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने बताया कि बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक ना मिलने का जीतने का मामला भी दिखा। तैयारी के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं मिला, वह मुश्किल से एक महीने की तैयारी में मैंने यह रजत पदक प्राप्त किया। आइए बात करते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं अर्जुन प्रताप सिंह का बड़ा भाई हूँ। और जैसे कि उन्होंने बताया, हमारा जिला आजमगढ़ ब्लॉक तरवा ग्राम सभा जमुआ के मूल निवासी हैं। और मेरे भाई जो है 1.5 महीने पहले बड़े उत्साह से उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है तैयारी करूँगा, मैं शूटिंग में जाऊँगा खेलने के लिए। हम लोगों ने, परिवार ने, हमारी माँ ने, हमारे और परिवार ने, हमारे जो भी बड़े गार्जियन हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने उनको भेजा, ये तैयारी करी किए और ये लाए। हमारे उम्मीदों पर ये खरा उतरे, थोड़ी सी चूक हुई, तैयारी में कहीं से कमी हुई या कम समय मिला, ये गोल्ड नहीं ला पाए। अगला मैच इनका 17 को है डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम हरियाणा में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेहनत करेंगे और करके गोल्ड लाएंगे, और जिससे हमारे गांव का नाम, हमारे ज़िले का नाम, प्रदेश का नाम, परिवार का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कहीं भी आजमगढ़ में अगर शूटिंग को लेकर देखा जाए तो अभी ऐसा किसी का सुनने में नहीं आया था, ये अर्जुन सिंह का शायद पहला होगा जो मेडल प्राप्त किए हुए जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? इससे हमको बहुत, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कम से कम जिले से पहला, मेरे परिवार से मेरा भाई छोटा निकल के जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने जिले को शूटिंग में, स्पोर्ट में उनको आगे बढ़ा रहा है, लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि नहीं हम भी आगे जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं इनसे कि नहीं ये स्टेट नेशनल खेलें, उसमें गोल्ड लाएं, इंडिया टीम को प्रेजेंट करें। ओलंपिक आने वाला है, 3 साल बाद होने वाला है, हम चाहेंगे कि इतनी मेहनत करें कि ओलंपिक में जाएं और देश को भी प्रेजेंट करें और देश के लिए भी मेडल लाएँ, देश के लिए मेडल पक्का करें। हाँ, एकदम। निशानेबाजी में इनकी रुचि क्या बचपन से रही है या फिर कुछ? निशानेबाजी में देखिए, अर्जुन तो नाम ही से अर्जुन है, अर्जुन तो नाम से अर्जुन है और काम से भी अब अर्जुन ही है। निशाना तो इनके जो है नाम से ही झलकता है कि निशाना इनके ब्लड में है, तो अर्जुन अर्जुन है, तो अर्जुन भाई अपना कला तो दिखाएंगे। एक बहुत मतलब बहुत वो है कि अर्जुन का नाम ही निशाने के लिए फेमस है, तो अर्जुन अपनी जो है प्रतिभा का दिखा रहे हैं, हमको अपना प्रतिभा बिखेर रहे हैं और बिखेरेंगे प्रतिभा को। आजमगढ़ से आपके भाई ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, आप और भी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम और भी युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि आप भी निकलिए और अपनी स्किल, जो आपके पास जो भी कला है, जिसकी भी आपके पास जो भी कला हो, आपको शूटिंग में कला हो, स्पोर्ट में चाहे आप कुछ भी करते हो, आप दबाइए मत उसको। हम उन लड़कों के परिजनों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे जो है प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं। अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह, हम आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक ग्राम सभा जमुआ के निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए जो नोएडा के दादरी में जो फ्री राइफल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, आपको कैसा लग रहा है और आपकी तैयारियाँ कैसी रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ और तैयारियाँ हमको पिछले 1.5 महीने से हम तैयारी कर रहे थे और हमको टाइम भी ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ चूक थी कि जिससे हम गोल्ड से थोड़ा पीछे रह चुके हैं, लेकिन सिल्वर भी लाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो आगे कोशिश करेंगे कि 17 तारीख को, इसी 17 सितंबर को मेरा फिर स्टेट लेवल का मैच है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज हरियाणा, तो हम कोशिश यही करेंगे उसका गोल्ड मेडल लेके अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। शूटिंग में आपका शौक है?
कितने दिनों से तैयारी आप कर रहे थे, इसके पहले भी आपने कभी तैयारियां किया या फिर किसी एक डेढ़ महीने में आपने यह पदक प्राप्त किया? मैंने पहले से तो नहीं तैयारी की थी, लेकिन इस एक डेढ़ महीने में हम खूब जम के एकदम तैयारी किए, अच्छे से तैयारी की। आगे इसमें हम आगे यही सपना है कि हम नेशनल तक खेलें, उसके बाद इंडिया टीम को ट्रायल दें, फिर ओलंपिक खेलें।